हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ब्रॉड कंप्यूटर क्लासेस। आज जो हम स्टडी करने जा रहे हैं वो है हमारा टाइप ऑफ कंप्यूटर। फिर कंप्यूटर के कितने टाइप है, हाउ मैनी टाइप ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर को बेसिकली थ्री टाइप को डिवाइड किया जाता है। पहला है हमारा बेस्ड ऑन वर्किंग प्रिंसिपल, दूसरा है बेस्ड ऑन पर्पज, और तीसरा है बेस्ड ऑन साइज। जो बेस्ड ऑन वर्किंग प्रिंसिपल मतलब ये काम कैसे करता है, डाटा कैसे लेता है, तो उसके अकॉर्डिंग कंप्यूटर के तीन टाइप है, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड। टाइप ऑफ पर्पज या बेस्ड ऑन पर्पज है कंप्यूटर के, वो है जनरल पर्पज कंप्यूटर, स्पेशल पर्पज कंप्यूटर। उसके बाद आ रहा है टाइप ऑफ बेस्ड ऑन साइज, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। अगर हम सीधे शब्दों में या सिंपल वर्ड में बोले हैं तो कंप्यूटर के टाइप तो थ्री है। थ्री प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इसको डिवाइड किया गया है। एक प्रिंसिपल वर्किंग प्रिंसिपल है, एक वर्किंग पर्पज है, एक बेस्ड ऑन साइज है। तो पहला जो हमारा है बेस्ड ऑन वर्किंग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कंप्यूटर के तीन टाइप है, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। टाइप ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन पर्पज, पर्पज के अकॉर्डिंग दो टाइप है, जनरल पर्पज कंप्यूटर और स्पेशल पर्पज कंप्यूटर। उसके बाद बात करते हैं टाइप ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन साइज, साइज के अकॉर्डिंग कंप्यूटर के चार टाइप हैं, मिनी माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। तो हम वन बाय वन स्टडी करते हैं। इसका एक छोटा सा डायग्राम भी बनाया हमने, जैसे बाय टाइप, बाय साइज और बाय पर्पज। तो वन बाय वन इसको स्टडी करते हैं। जैसे आपने देखा होगा बाय टाइप एनालॉग डिजिटल और हाइब्रिड, बाय साइज माइक्रो मिनी मेन फ्रेम और सुपर, बाय पर्पज जनरल पर्पज और स्पेशल पर्पज। ये इसकी क्लासिफिकेशन है कंप्यूटर का। ये डायग्राम अगर आपने बनाना है तो इसको बना सकते हो। उसके बाद बात करते हैं, सबसे पहले आता है हमारा जो हमारा बाय टाइप है, बाय वर्किंग प्रिंसिपल कह सकते हैं। जो पहला टाइप है हमारा वो है एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है, इट इज़ यूज टू प्रोसेस एनालॉग डाटा। ये कंप्यूटर क्या होता है, एनालॉग डाटा के लिए यूज होता है। एनालॉग कंप्यूटर ऑपरेट बाय मेजरिंग रैदर देन काउंटिंग। ये कंप्यूटर क्या करते हैं, ये मेजरिंग करते हैं किसी चीज़ की, ना कि काउंटिंग करते हैं। जैसे हमारा वोल्टमीटर है, ये आपने देखा होगा आईसीयू के अंदर, जैसे हमारा हार्ट बीट, और हमारा ये एनालॉग मीटर होता है जो बाइक के अंदर, गाड़ी के अंदर। इस टाइप के क्या करते हैं, मेजरिंग करते हैं ना कि काउंटिंग करते हैं। एनालॉग कंप्यूटर मेजर कॉन्टीन्यूस इलेक्ट्रिकल और फिजिकल मैग्नेट्यूड लाइक वोल्टेज, प्रेशर, वाटर फ्लो एक्सेट्रा। जो एनालॉग कंप्यूटर होता है उसके अंदर डाटा हमेशा किस फॉर्म में आता है, कॉन्टीन्यूसली फॉर्म में आता है। कभी भी टूट के डाटा नहीं आता था, कॉन्टीन्यूसली फॉर्म में आता है और वेव के फॉर्म में भी आता है। जैसे हमारा एनालॉग कंप्यूटर के एग्जांपल के तौर पे ले, हमारे बाइक चला रहे हैं हम, बाइक के अंदर हमारा डाटा कंटिन्यूसली आएगा। अगर हमारा डाटा मान लो कई बार जो हमारी वायर है इस वाली मीटर वाली वो हट जाए तो हमारा मीटर नहीं चलेगा, तो कंटिन्यूसली चलेगा। जब भी हमें पता चलेगा कि हमारा बाइक अब किस स्पीड से चल रहा है, ऐसे हमारी वोल्टेज, हमारी वोल्टेज कंटिन्यूसली चलेगी। जब भी पता चलेगा हमारी वोल्टेज कितनी है, एम्पियर, कितने एम्पियर आ रही है। अगर मान लो बीच बीच में कभी लाइट आ गई, कभी चली गई, तो फिर थोड़ा पता चलेगा। ऐसे ही हमारा बीप हार्ट की होती है, जो स्पीड होती है हार्ट की हमारी, उससे भी हमें मतलब है हार्ट कितनी गति से चल रहा है, कितनी धड़कने होती है एक मिनट के अंदर। तो ये भी हमारा कंटिन्यूसली आता है, कंटिन्यूसली चलता है। जैसे वाटर को भी माप सकते हैं हम, प्रेशर को भी माप सकते हैं, वोल्टेज को भी माप सकते हैं। ये कंटिन्यूसली होता है ना कि टूटा हुआ, ये कंटिन्यूसली डाटा हमारा होता है एनालॉग कंप्यूटर के अंदर, ठीक है। तो ये हमारा एनालॉग कंप्यूटर है। उसके बाद बात करते हैं हमारा डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर ऑपरेट डायरेक्टली और डेसिमल डिजिट दैट रिप्रेजेंट आइदर डिस्ट्रिक्ट डाटा और सिंबल। जो हमारा डिजिटल कंप्यूटर होता है उसके अंदर जो डाटा होता है हमेशा क्या होता है, डिस्क्रीट डाटा होता है या सिंबल होता है। कहने का मतलब डाटा हमेशा कॉन्टीन्यूसली नहीं होता है, कभी जीरो आ गई, कभी वन आ गया, डाटा हमेशा टूटे हुआ फॉर्म में। इट कन्वर्ट द डाटा इनटू डिजिटल एंड देन ऑपरेट डन इन दिस डाटा एलिमेंट्री फास्ट रेट। ये डाटा क्या आता है, जो भी डाटा आता है उसको डिजिटल डाटा में कन्वर्ट करके वो अंडरस्टैंड करता है। कंप्यूटर के अंदर जो डिजिटल डाटा होता है, डिजिटल कंप्यूटर के अंदर वो डाटा हमेशा डिजिटल फॉर्म में होता है। जैसे हमारा ये डिजिटल वॉच होगी, हमारे जो अभी जो जितने भी कंप्यूटर वर्किंग में हैं, हम जो कॉमन कंप्यूटर है वो हमारे डिजिटल कंप्यूटर होते हैं। तो ये डाटा क्या करता है, बाइनरी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करते हैं, और डाटा क्या करता है, डिजिटल डाटा को अंडरस्टैंड करता है। कहने का मतलब ये डाटा जो अंडरस्टैंड करता है वो जीरो वन की फॉर्म में होता है, जिसको बाइनरी लैंग्वेज बोलते हैं। तो ये डाटा जो कंप्यूटर, जो डिजिटल कंप्यूटर डाटा समझते हैं वो किस फॉर्म में होता है,
डिजिटल डाटा में, और डिजिटल कह सकते हैं बाइनरी फॉर्म को अंडरस्टैंड करता है, बाइनरी लैंग्वेज को समझता है, और डाटा क्या होता है, जीरो वन की फॉर्म में होता है, कभी भी डाटा कॉन्टीन्यूसली फॉर्म में नहीं होता इन कंप्यूटर के अंदर, किन के अंदर, डिजिटल कंप्यूटर के अंदर। उसके बाद आती है हाइब्रिड। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है, दोनों कंप्यूटरों का कम्बिनेशन होता है, कहने का मतलब क्या है, एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का कम्बिनेशन करके बना के एक हाइब्रिड कंप्यूटर बनाया जाता है। ये कंप्यूटर क्या होता है, स्पेशल सिचुएशन के लिए बनाया जाता है, डाटा कलेक्टिंग के लिए और एनालॉग डिजायरेबल, मतलब जहाँ हमें दोनों चीज़ों की ज़रूरत हो, जहाँ डिजिटल प्रोसेसिंग की भी ज़रूरत हो और हमारा एनालॉग डाटा कलेक्शन की भी ज़रूरत हो। एग्जांपल के तौर पे अगर आप लोग देखें, आईसीयू के अंदर, इंटेंसिव केयर यूनिट के अंदर हमारा जो लाइफ सिस्टम सपोर्टिंग होता है, वहाँ हमारा ये इस टाइप का कंप्यूटर मिल जाएगा, हाइब्रिड कंप्यूटर। वहाँ क्या होता है, दोनों तरह की हमारी मेजरमेंट होती है, प्रोसेसिंग डिजिटलाइजेशन होती है और हमारा मेजरमेंट एनालॉग होता है, जैसे हमारी हार्ट बीट है, हमारा बीपी है, इस टाइप की हमारी मेजरमेंट किस कैसी होती है, एनालॉग, और जो प्रोसेसिंग होती है कंप्यूटर के अंदर वो क्या होती है, डिजिटलाइजेशन प्रोसेसिंग होती है। तो ये हमारा कौन सा होता है, हाइब्रिड कंप्यूटर, दोनों कंप्यूटर का क्या है, ये कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। उसके बाद बात करें बेस्ड ऑन पर्पज, पर्पज के अनुसार कंप्यूटर के दो टाइप हैं, पहला है जनरल पर्पज और दूसरा है स्पेशल पर्पज। जनरल पर्पज कंप्यूटर क्या होता है, ये स्पेशल काम के लिए नहीं बनाया था, जनरल काम के लिए होता है, जनरल पर्पज के लिए होता है, जैसे हमारा कॉमन कंप्यूटर होता है, इक्वल इफिशेंसी होती है, सिंपलिंग होता है, चेंज करना आसान होता है, स्टोर करना, इसमें डाटा कहाँ स्टोर होता है, मेन मेमोरी के अंदर होता है, कुछ एप्लीकेशन इसके अंदर चला सकते। तो ए जनरल पर्पज कंप्यूटर कैन परफॉर्म एनी काइंड ऑफ जॉब, जो भी हमारी कॉमन लाइफ में हमें ज़रूरत पड़ती है, एनी काइंड ऑफ जॉब, जो भी काम करता है वो उसको इक्वल इफिशेंसी और सिंपली बाई चेंजिंग द एप्लीकेशन फ्रॉम स्टोरिंग टू मेन, इसको आसानी से चला सकता है, ऑपरेट कर सकता है, और डाटा को कहाँ स्टोर करता है, एप्लीकेशन का यूज़ करके डाटा को स्टोर कर देता है, कहाँ, मेन मेमोरी के अंदर। उसके बाद होता है स्पेशल पर्पज, जो कंप्यूटर स्पेशल पर्पज के लिए डिजाइन किया जाता है, स्पेशल काम के, ए स्पेशल पर्पज कंप्यूटर इज द वन दैट इज डिजाइन टू परफॉर्म ओनली वन स्पेसिफिक टास्क, जो एक स्पेशल काम के लिए डिजाइन किया जाता है, किसके लिए, ए स्पेसिफिक काम के लिए, एक स्पेशल काम के लिए, इट डज इट सिंगल टास्क वेरी क्विकली एंड इट कैन नॉट बी यूज फॉर एनी अदर पर्पज, ये अपना काम बहुत फास्ट करता है, लेकिन जो ये कंप्यूटर है ना वो उसी पर्पज के लिए बनाया जाता है, उसके अलावा इसके कंप्यूटर के थ्रू कोई भी काम नहीं किया जा सकता है इसके अलावा, ठीक है। तो स्पेशल काम के लिए बनाया जाता है, जो जैसे हमारे साइंटिस्ट लोग बनाते हैं, मान लो हमें सेटेलाइट लॉन्च के लिए कंप्यूटर बनाया है, उसकी गति को मेजरमेंट के लिए बनाया, तो वो हमारे स्पेशल पर्पज़ कंप्यूटर होते हैं, और जनरल पर्पज़ कंप्यूटर जो भी हमारे आम लाइफ में जो भी कंप्यूटर देख रहे हैं वो हमारे जनरल पर्पज़ कंप्यूटर होते हैं। उसके बाद बात करें अकॉर्डिंग टू साइज, बेस्ड ऑन साइज, कंप्यूटर के चार टाइप, जैसे कि आप लोगों को पता है, माइक्रो कंप्यूटर और पर्सनल कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर को क्या बोलते हैं, पर्सनल कंप्यूटर, क्या ये कंप्यूटर क्या होते हैं, हमारे छोटे से छोटे कंप्यूटर होते हैं। ए माइक्रो कंप्यूटर इज कंप्यूटर हुज सीपीयू इज ए माइक्रो प्रोसेसर, इट इज ए सिंगल इंटीग्रेटेड चिप, पर्सनल कंप्यूटर आर कॉल्ड सो बिकॉज दे आर डिजाइन फॉर पर्सनल ड्यू टू इंडिविजुअल एंड स्मॉल यूनिट। हमारा जो माइक्रो कंप्यूटर होता है उसको ही हम एक पर्सनल कंप्यूटर भी बोलते हैं। इसके अंदर क्या होती है, एक सिंपल चिप होती है, सिंपल इंटीग्रेटेड चिप, जिसको आप आईसी बोलते हैं। पर्सनल कंप्यूटर को ही माइक्रो कंप्यूटर बोलते हैं, बिकॉज ये क्या है, एक सिंगल आदमी के लिए, इंडिविजुअल पर्सन के लिए इसको डिजाइन किया जाता है, इंडिविजुअल पर्सन या इंडिविजुअल बिजनेस या स्मॉल बिजनेस यूनिट के लिए इसको डिजाइन किया जाता है, तो इसको माइक्रो कंप्यूटर बोलते हैं, और पर्सनल कंप्यूटर या पीसी भी बोलते हैं। किसको, माइक्रो कंप्यूटर को। जो मेरा माइक्रो कंप्यूटर है वो बेसिकली थ्री टाइप का मिलेगा, अपना डेस्कटॉप कंप्यूटर बोलेंगे, लेफ्ट फोर टाइप का भी बोल सकते हैं, लेकिन थ्री टाइप का भी बोल सकते हैं। डेस्कटॉप कंप्यूटर जो मेज़ के ऊपर रखा जाता है, लैपटॉप कंप्यूटर जो गोदी के अंदर रखा जाता है, पाम टॉप कंप्यूटर या नोटबुक, जो हमारा पाम टॉप का मतलब है जो हथेली के ऊपर, हाथ के ऊपर रखा जाता है, ये हमारा तकरीबन क्या होता है, टैबलेट पीसी और स्मार्टफोन। देखिए ये हमारा डेस्कटॉप है, ये हमारा लैपटॉप है, ये हमारा नोटबुक है, और ये हमारे पाम टॉप है, टैबलेट और स्मार्टफोन भी इसके अंदर, या हमारे मोबाइल है वो भी पाम टॉप के अंदर ही इंक्लूड होगा। तो मोबाइल का साइंटिफिक नाम है या कंप्यूटराइज नाम है पाम टॉप है कंप्यूटर। तो मोबाइल नथिंग, इट इज ए पाम टॉप टाइप या माइक्रो टाइप का पाम टॉप कंप्यूटर है, ठीक है। तो ये हमारा कंप्यूटर कौन सा है, माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर क्या होता है, माइक्रो कंप्यूटर साइज में कुछ बड़ा होता है, इट इज बिग साइज कंपेयर टू माइक्रो कंप्यूटर।
जर्नली देयर कंप्यूटिंग पावर इज बिगर काउंटर पार्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ मिनी कंप्यूटर इज चीपर इज कॉस्ट स्मॉलर इन साइज एंड रिलायबल इट डज नॉट रिक्वायर एसी इट इज यूज इन एजुकेशन सिस्टम। ये कंप्यूटर क्या होते हैं कंपेयर टू पर्सनल कंप्यूटर कुछ बड़े होते हैं, इसके अंदर क्या एडवांटेज होती है चिपर होता है कॉस्ट स्मॉलर इन साइज एंड रिलायबल, इसको एसी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इसको तकरीबन क्या है एजुकेशन सिस्टम है। अगर आप कहीं भी मान लो कई बार क्या आता है मिनी कंप्यूटर आपको कहाँ देखने को मिलेगा, कई बार अगर आप बड़ी शॉप में चले जाते हैं मान कर चलो आप लोग किसी बड़ी फोटोशॉप की दुकान में चले जाएंगे तो वहाँ आप देखेंगे आपको एक बड़ा सा कंप्यूटर नज़र आएगा जिसके अंदर जिसका साइज़ भी बड़ा होगा, जिसकी हार्ड डिस्क भी बड़ी होगी, जिसकी प्रोसेसिंग भी फास्ट होगी और मेमोरी भी ज़्यादा होगी। इस कंप्यूटर के अलावा उसको वहाँ यूज किया जाता है फोटोशॉप में डेली हमारा बहुत सारा डाटा बहुत GB डाटा हर रोज़ प्रोसेसिंग होता है क्योंकि बहुत सारी मैरिज की फ़ोटो बनाई जाती हैं तो वहाँ भी इसका यूज़ कर सकते हैं मिनी कंप्यूटर का। ये इस कंप्यूटर से किससे माइक्रो कंप्यूटर से कुछ बड़ा होता है। ठीक है उसके बाद बात करें मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है मेन फ्रेम दे आर वेरी बिग इन साइज एंड ऑफर टू मैक्सिमम कंप्यूटिंग पावर, ये साइज में बहुत बड़े होते हैं और मैक्सिमम कंप्यूटिंग पावर होती है। ए लार्ज नंबर ऑफ पेरिफेरल डिवाइस कैन बी अटैच दे आर जनरली यूज इन लार्ज नेटवर्क सेटेलाइट नेटवर्किंग के लिए। जैसे हम मान के चलो हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर जो हमारा डिश टीवी केबल है वो भी हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर के थ्रू ही चलता है, और जो जैसे बैंकिंग सिस्टम की बात करेंगे ना मेन फ्रेम कंप्यूटर वो आप वहाँ देखेंगे जितने भी बैंक के अंदर कंप्यूटर होते हैं उनके पीछे एक मेन कंप्यूटर होता है, उस मेन कंप्यूटर के थ्रू ही वो सारे के सारे कंप्यूटर क्या होते हैं कंट्रोल होते हैं। जो हमारा मेन कंप्यूटर होता है उसको ही मेन फ्रेम कंप्यूटर बोलते हैं। कई बार आप लोगों ने जर्नल सुनने में भी आता होगा भाई कंप्यूटर बैंक के अंदर जाएंगे आप देखेंगे भाई कनेक्टिविटी नहीं है। कनेक्टिविटी का मतलब क्या होता है बैंक के अंदर जो मेन कंप्यूटर होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है वो उस टाइम वर्किंग के अंदर नहीं है, वो प्रॉपरली नहीं चल रहा है, इस कारण ही वहाँ कनेक्टिविटी नहीं है। तो ये मेन फ्रेम कंप्यूटर है, ये एक लार्ज सेटेलाइट के लिए भी यूज होता है और किसी नेटवर्किंग के लिए। इसके अंदर एक के साथ बहुत सारे पेरिफेरल डिवाइस इनपुट आउटपुट डिवाइस बहुत सारे नोड जैसे मोनिटर प्रिंटर जोड़ सकते हैं इसके साथ है। ये है मेरा मेन फ्रेम कंप्यूटर। उसके बाद बात करते हैं सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर क्या है हमारा मोस्ट एक्सपेंसिव ऑफ ऑल कंप्यूटर है, ये साइज में बड़ा हो सकता है, ये मोस्ट एक्सपेंसिव होता है, जनरल पर्पज मोर देन कैपेबल जनरल पर्पज के कंपैरिजन में कितना मोर देन कितना रहा 10,000 मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड लेता है। ये स्टोरेज कैपेसिटी वेरी लार्ज है, कंप्यूटर मल्टी वेराइटी मैथमेटिक प्रॉब्लम कैन सोल्व कर सकता है, एटॉमिक न्यूक्लियर एक्सेट्रा बहुत सारे काम कर सकते हैं, बहुत बहुत ही फास्ट होता है, बहुत ही महंगा होता है, साइज भी बहुत बड़ा होता है कंपेयर टू स्पीड भी बहुत फास्ट होती है, एक साथ बहुत सारे काम कर सकता है, इंस्ट्रक्शन भी एक साथ बहुत सारे ले सकता है। जो हमारे सुपर कंप्यूटर है अगर वर्ल्ड फर्स्ट सुपर कंप्यूटर की बात करें संसार का जो पहला सुपर कंप्यूटर था उसका नाम था करे वन, वर्ल्ड फर्स्ट सुपर कंप्यूटर का नाम था करे वन, और इंडिया का जो पहला सुपर कंप्यूटर था उसका नाम था परम। इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर का क्या नाम था परम, संसार का पहला कंप्यूटर क्या करे वन, इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर का नाम परम। परम के बाद जो हमारा कंप्यूटर आया उसका नाम आया परम 10,000। परम को कुछ टेक्निकल फॉल्ट होने के कारण परम को चेंज कर दिया गया परम 10,000 के बाद। इसके बीच में एक कंप्यूटर आया था उसका नाम था बीच में एक कंप्यूटर और आया था उसके बाद क्या आया जो अब हमारा लेटेस्ट जो हमारा कंप्यूटर है जो अभी हमारा वर्किंग कर रहा है 2020 के अंदर तो वो उसका नाम है प्रत्यूष। जो हमारा लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर उसका नाम है प्रत्यूष। ठीक है तो ये हमारे थे टाइप ऑफ कंप्यूटर। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग ब्राड कंप्यूटर क्लास।